और चलिए राजधानी भोपाल से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं के स्टॉक की लिमिट को तय कर दिया गया है। गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है, तो व्यापारी को भंडारण की अधिकतम सीमा तय की गई है। 3,000 टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित है, जहां भंडारण की अधिकतम निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। वहीं व्यापारी संगठन को स्टॉक की जानकारी देंगे, यहां नियम उल्लंघन पर स्टॉक भी जब्त होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय कर दी गई है, जहां गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित है। थोक व्यापारी को भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जहां 3,000 टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। वहीं फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित की गई है। भंडारण के अधिकतम निर्धारण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जहां ये व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। व्यापारी सरकार को स्टॉक की जानकारी देंगे और नियम उल्लंघन पर स्टॉक जब्त भी होगा।